दिया ऊपर, तो छोटे वाले ने देखा वो घबरा गया, तो उसको भी पकड़ के मार दिया। दिस इज गेटिंग टू मच नाउ। ये इंसिडेंट अभी 2 दिन पहले ही 19 मार्च को हुआ है, और जब मैंने ये न्यूज देखी और ये केस पढ़ा तो आई वॉज सो ब्लोन अप कि एक इंसान 2 छोटे बच्चों का मर्डर कैसे कर सकता है, वो भी इतनी बेरहमी से। और जब मैंने इस केस के बारे में आर्टिकल्स पढ़े और थोड़ी रिसर्च करी, देन आई गॉट टू नो कि साजिद और जावेद का मकसद क्या था इसके पीछे। एंड आई एम गोना टॉक अबाउट इट ऑल एंड आई एम गोना एक्सप्लेन दिस होल केस टू यू इन दिस वीडियो। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड डाइव इनटू टुडेस केस व्हिच इज रिवॉल्विंग अराउंड बडाउन डबल मर्डर केस, उत्तर प्रदेश। तो जो ये पूरा इंसिडेंट है ये बडाउन गांव की बाबा कॉलोनी के अंदर हुआ है। तो इसी कॉलोनी के एक घर में विनोद सिंह और उसकी फैमिली रहती थी। उसकी फैमिली में 5 लोग थे, विनोद सिंह खुद जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, और उसकी वाइफ संगीता जो अपना ब्यूटी पार्लर चलाती है, और उसके 3 बच्चे जिसमें से एक का नाम था हनी, दूसरे का नाम था आयुष, तीसरे का नाम था पीयूष। विनोद का सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम आयुष था उसकी उम्र 13 साल थी, और जो पीयूष था उसकी उम्र 9 साल थी, और जो सबसे छोटा था उसका नाम हनी था और उसकी उम्र 6 साल थी। एंड देवर ए हैप्पी फैमिली। विनोद खुद एक कॉन्ट्रैक्टर था तो वो मोस्टली अपने घर से बाहर ही रहता था, और उसकी जो वाइफ थी संगीता वो अपने घर के ही 2nd फ्लोर पे अपना ब्यूटी पार्लर चलाती थी। उनका घर 3 फ्लोर का था और जिसमें से एक नीचे वाले फ्लोर पे वो रहते थे, 2nd फ्लोर पे उसकी वाइफ पार्लर चलाती थी और 3rd पे टेरेस था। और इसी बाबा कॉलोनी में साजिद और जावेद दोनों भाई मिलके अपना एक सैलून चलाते थे, और इस एरिया में कई टाइम से दुकान होने के कारण वो उस कॉलोनी के लोगों से बहुत ही फ्रेंडली थे, वहां के लोग उनसे मिलते रहते थे। और जो विनोद सिंह खुद थे और जो उनके बच्चे थे वो अपने बाल कटवाने उन्हीं की दुकान जाया करते थे। तो दिस इज अंडरस्टैंड कि आप भी किसी बार्बर के पास रेगुलरली जाते हो बाल कटवाने तो उससे जान पहचान हो जाती है, उससे फ्रेंडली नेचर हो जाता है डेवलप। तो जो साजिद और जावेद थे वो भी उनकी फैमिली को अच्छे से जानते थे, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस उनकी शॉप और संगीता का घर पास पास होने के कारण उनका मिलना जुलना लगा रहता था। और जो छोटे बच्चे थे संगीता के वो उन्हें बहुत पसंद करते थे उन दोनों भाइयों को। इतने अच्छे रिलेशन होने के कारण जो बच्चे थे आयुष पीयूष और हनी वो उन दोनों को चाचा ही बोलते थे। तो बाई ऑल दिस वी कैन अंडरस्टैंड के विनोद की फैमिली और वो दोनों भाई जावेद और साजिद के बीच में अच्छे टर्म्स थे। और जो साजिद था उसकी उम्र 22 साल थी और उसकी शादी हो रखी थी, और जो उसका छोटा भाई जावेद था वो अभी भी अनमैरिड था और उसकी उम्र तकरीबन 20 साल है। एंड बाय कीपिंग ऑल दिस इन माइंड लेट्स गेट टू द नाइट ऑफ मर्डर, 19th of March 2024। तो तकरीबन शाम के 7:30 बजे साजिद और जावेद विनोद के घर पहुंचे, और इस टाइम पे विनोद सिंह अपने घर पे नहीं था, वो मार्केट में था, और उसके घर में संगीता उसके 3 बच्चे और उन बच्चों की दादी थी। और एट द पॉइंट ऑफ टाइम संगीता अपने ब्यूटी पार्लर में थी और जो उन बच्चों की दादी थी वो ग्राउंड फ्लोर पे थी, और जो 3 बच्चे थे वो अपनी दादी के साथ ही ग्राउंड फ्लोर पे थे। और फिर साजिद संगीता के पास 2nd फ्लोर पे पहुंचा और उसने संगीता को बोला कि मेरी वाइफ के अभी बच्चा होने वाला है, शी इज़ अबाउट टू डिलीवर ए चाइल्ड, और मेरे पास सिर्फ 500 रुपये हैं और हॉस्पिटल में मुझे 5,000 रुपये देने हैं, तो कैन यू प्लीज़ हेल्प मी विद दैट मनी, आप मुझे प्लीज़ उतना पैसा दे सकते हो। और इसके बाद संगीता ने अपने हस्बैंड को कॉल किया और उनसे पूछा कि मैं साजिद को पैसे दे दूँ क्या, वो मांग रहा है, और उसके हस्बैंड ने हाँ बोल दी कि हाँ उसे तुम पैसे दे दो, वो लड़के अच्छे हैं। और जब संगीता पैसे लेने के लिए अंदर गई तब साजिद उन 3 बच्चों को बहला के अपने साथ टेरेस पे ले गया, और टेरेस पे पहुंचते ही साजिद ने कुछ ऐसा किया जो वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे। वो साजिद जिसे वो बच्चे हमेशा से चाचा चाचा बोलते थे और जिसके साथ खेलने के लिए वो हमेशा एक्साइटेड रहते थे, उस साजिद के साथ उन बच्चों ने फोटोज़ लेकर सोशल मीडिया पे भी पोस्ट की थी, उसी साजिद ने क्लीवर निकाला, और क्लीवर एक ऐसा नाइफ होता है जिससे जानवरों को काटा जाता है, और उसने वो नाइफ निकाला, और इसके बाद उसने जो सबसे बड़ा बच्चा था जिसका नाम आयुष था उसका गला काट दिया। और आयुष का गला काटने के बाद जो सबसे छोटा बच्चा था 6 साल का हनी उसने उसका पकड़ के भी गला काट दिया। और वो तीसरे बच्चे यानी कि पीयूष की ओर जा ही रहा था जब तक पीयूष सतर्क हो गया और वो वहां से उसको धक्का देके भाग गया। मारने लगा, मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भगाया। और वो जब तक नीचे पहुंचा और उसने अपनी पूरी फैमिली को अलर्ट कर दिया। और जब साजिद पीयूष के पीछे भागता भागता नीचे आया तो उसकी माँ ने उसे बचाने का ट्राई किया, तो साजिद इवन ट्राइड टू स्टैब हर, उसने उसे भी मारने का ट्राई किया, लेकिन समहाउ जब तक वहां पे बहुत भीड़ जमा हो गई थी और साजिद
साजिद और जावेद को वहां से निकलना पड़ा। और जब वहां के क्राउड ने उन्हें रोकने का ट्राई किया और उन्हें पकड़ने का ट्राई किया तो वो दोनों अपने नाइफ्स दिखा के वहां से भाग गए। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि साजिद ने उन दोनों बच्चों का गला काटने के बाद उनका खून भी पिया था। और जब ये पूरा इंसिडेंट पुलिस को पता चला तो पुलिस इंस्टेंटली एक्टिव हो गई और वो साजिद और जावेद को ढूंढने लग गई। और उन्होंने साजिद को तो पकड़ भी लिया था लेकिन जब तक जावेद भाग चुका था। और इस इंसिडेंट के तकरीबन 3 घंटे बाद जब पुलिस साजिद को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जा रही थी, जब साजिद ने भागने का ट्राई किया और भागते भागते उसने पुलिस पे फायरिंग भी करी और रिवर्स फायरिंग में साजिद की मौत हो गई, साजिद का एनकाउंटर हो गया। और इसके बाद जब और इन्वेस्टिगेशन करी गई और जब पुलिस साजिद की वाइफ के पास पहुंची तो पता चला कि साजिद की वाइफ कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। साजिद ने वो पूरा झूठ बोला था। और साजिद की जो दादी थी उसने तो ये बोला कि साजिद को ऊपर की हवा लग रखी थी, लाइक शी वॉज टॉकिंग अबाउट काला जादू एंड ब्लैक मैजिक। और आज के दिन यानी कि 21 मार्च 2024 को जावेद भी पकड़ा गया है। वो बडाउन से दिल्ली भाग गया था और दिल्ली से बरेली में आके उसने सरेंडर कर दिया। और सरेंडर करने के बाद वो बोला, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, मैं तो उस इंसिडेंट के स्पॉट पे भी मौजूद नहीं था। और इसके बाद जब उन बच्चों के पिता विनोद सिंह से पूछताछ करी गई तो उसने पुलिस को बताया कि उनके बीच में कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं था। द क्वेश्चन इज, फिर भी साजिद और जावेद ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने 2 मासूम बच्चों की जान क्यों ले ली? साजिद ने खुद की पत्नी की डिलीवरी के लिए 5,000 रुपए संगीता से मांगे थे और संगीता ने उसे 5,000 रुपए दे भी दिए थे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, संगीता ने साजिद को 5,000 रुपए दिए थे उसके बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए और उसी पल साजिद ने संगीता के ही 2 बच्चे छीन लिए। व्हाट वर ही थिंकिंग, उसने क्या सोच के ये सब किया? और अब जो साजिद और जावेद के पिता है वो सोशल मीडिया पे भीख मांग रहे हैं कि मेरे दूसरे बेटे का एनकाउंटर मत करना। क्या ये बात संगीता से पूछी गई थी? यस, दैट वाज इट। और मेरे व्यूज इस केस पे कुछ ऐसे हैं कि साजिद के पास उन दोनों बच्चों को मारने का कोई मोटिव नहीं था, ना उनकी कोई लड़ाई झगड़ा था, ना उनके बाप से कभी उसकी लड़ाई या झगड़ा हुआ था। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी और का गुस्सा साजिद ने उन बच्चों पे निकाला। एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू इवन हर्ट ए चाइल्ड, और उसने तो 2 बच्चों का मर्डर कर दिया था। और मेरे हिसाब से साजिद को तो वो क्राइम क्राइम भी नहीं लग रहा था। अभी रिसेंटली ही मैंने एक न्यूज पढ़ी थी कि बैंगलोर के एक शॉपकीपर को 7-8 जनों ने बहुत बुरी तरीके से मारा और पीटा क्योंकि वो अपनी शॉप पे हनुमान चालीसा चला रखा था। एंड वी कॉल दिस कंट्री सेक्युलर। अब एक हिंदू हिंदुस्तान के अंदर हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ सकता। और ये केस देखने के बाद मुझे उदयपुर का कन्हैया लाल वाला केस भी याद आ गया जिसमें मोहम्मद और गौश ने मिलकर कन्हैया लाल का गला काट दिया था। बट यू नो वॉट इज डिस्टर्बिंग, इन बच्चों ने तो नुपुर शर्मा का सपोर्ट भी नहीं किया था। तो यस, दैट वॉज इट। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और आप हमें कमेंट में भी बता सकते हो कि हमें कोई केस पे वीडियो बनानी चाहिए क्या। एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू लाइक सच कंटेंट एंड आई विल मीट यू इन अनदर वन।